पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को एक बाबा पहुंच गए, माथे पर लाल रंग और गले में इतने जेवर कि उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो ये बाबा हैं बीजेपी के नेता और ये हैं जांजगीर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। इनका नाम है रामलाल कश्यप और इन्हें विधानसभा आने के लिए बीजेपी की तरफ से पास दिलवाया गया था। रामलाल कश्यप ने कहा कि वो विधानसभा में बीजेपी की जीत के लिए आए हैं, जीत के लिए तंत्र और मंत्र की पूजा करेंगे। और ये जो आपने ये सब गले में पहन रखी है, किस धर्म की मान्यता के अनुसार है? क्या हिंदू धर्म की, भोलेनाथ की आस्था है मेरा। तो ये कितने किलो का होगा सब? ये 10.5 किलो। तो आज आप विधानसभा घूमे, क्या क्या देखा आपने यहाँ विधानसभा में? पूरा बाहर का और अंदर नहीं गए। पास किसने बनाया आपका? पास जिला स्तर से बना है, संगठन स्तर से। कौन संगठन में, कौन नाम किसने बनाया? सभी मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है, मैं वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिला से। अच्छा, तो मेरा पास पहले बना हुआ था। अच्छा, ये आपने माथे पे लाल लाल क्या लगाया? ये सिंदूर का, सिंदूर है, बंधन है, सिंदूर है और भभूत है। अच्छी बात है। सत्य प्रकाश इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, छत्तीसगढ़ है, चुनाव आने वाले हैं विधानसभा में, अब बाबा के तंत्र मंत्र से जीतने की तैयारी है क्या बीजेपी की? लेकिन देखिए, इन तस्वीरों से तो यही कुछ लग रहा है, क्योंकि हमने पिछले सालों में भी देखा है कि किस तरह से तंत्र साधना सियासी दल के लोग कराते रहे हैं। अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, यहाँ महज 3 से 4 महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव में, ऐसे में बेहद रोचक तस्वीर देखने को मिली। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये खुद बीजेपी भाजयुमो के नेता हैं और सोशल साइट से भी काफी सक्रिय हैं, सभाओं में सक्रिय रहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ कई सारी इनकी तस्वीरें हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने न सिर्फ कल विधानसभा में भ्रमण किया बल्कि इन्होंने कई सारे मंत्रियों से मुलाकात की, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की खबर है। और यहाँ से मिट्टी ले जाकर ये अभी अमरनाथ यात्रा के दौरान तंत्र पूजा करने की इन्होंने बात कही है और ये कहा है कि बीजेपी को चौथी बार सत्ता में लाना है, डॉक्टर मन सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और इसलिए मैं ये तंत्र साधना करूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने विधानसभा को तंत्र शक्तियों से बांध दिया है जिससे चौथी बार सरकार में वापसी हो सके बीजेपी की। तो एक बड़ा सवाल ये यहाँ पे विपक्षी दल उठा रही है कि क्या इस तरह से विधानसभा में घुमाना ऐसे तांत्रिक को जायज है और क्या विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी इस तरह से तंत्र मंत्र के जरिए जो है वो सत्ता पाने की कला नहीं।